क्लास इलेवेंथ का हम लोग एक्चुअली में जो सेकंड चैप्टर है फोर्सेस लॉ जो क्वेश्चन उसको स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स बोला जाता है इसको, एक्चुअली में इट इज कंसीडर्ड एज डायनामिक्स। चैप्टर का नाम के हिसाब से अगर बात करें तो चैप्टर का नाम वही है जो क्लास नाइन्थ में था। नाइन्थ का पहला चैप्टर मोशन, इलेवंथ का भी ऑफिशियली पहला चैप्टर मोशन, नाइन्थ का दूसरा चैप्टर वाज फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन, तो ऑफिशियली इलेवंथ का भी दूसरा चैप्टर फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अंतर तो आप लोग चार महीने से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक आध लोग को छोड़कर बाकी लोग को समझ में आ रहा है। नाइन्थ में जैसे जो चैप्टर है फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन आप उसको पढ़े, वो हाफेरली में पढ़े तो हाफेरली में आया, फाइनल के समय पढ़े तो फाइनल में आया, है ना, यूनिट टेस्ट में पढ़े तो यूनिट टेस्ट में उसका क्वेश्चन आया, है ना, ये अंतर था नाइन्थ क्लास में। इलेवंथ क्लास में चाहे मतलब आउट एंड आउट जेई नीट में आप ये बोल ही नहीं सकते कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक तो क्या भर में, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे कि आप लोग देखे घर पर कल का क्लास में और घर पर भी अगर पेपर है तो मिलाए होंगे, मोशन चैप्टर से नीट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, बेसिक डिफरेंस जो है उसको क्लियर कर लो। नाइन्थ में जो चीज पढ़े, जो चीज टीचर इंपॉर्टेंट बताया, वो जरूर आया परीक्षा में। स्कूल एग्जाम में इलेवन ट्वेल्थ में भी होगा, टीचर जो बोल दिया इंपॉर्टेंट वो जरूर आएगा, बट जेई के एग्जाम में नीट के एग्जाम में वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट मेरा इंपॉर्टेंट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तुमको सब चीज क्लियर करना है और अपने पर रखना है कि ये शायद आ सकता है, हम इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है क्लास इलेवंथ में भी, और एक्चुअली में नाइन्थ में भी इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। तो थोड़ा सा हम लोग नाइन्थ की बातों को पहले रिकॉल कर लेते हैं, पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं नाइन्थ क्लास का, कुछ चीज रिकॉल कर लेते हैं। वैसे फिजिक्स तो ऐसा ही होता है, नाइन्थ और इलेवंथ और टेंथ और ट्वेल्थ से कोई मतलब नहीं है। अब जो फोर्स का डेफिनेशन सेवन्थ में पढ़े थे अभी इलेवंथ में भी लिखना तो वही है तुमको, ऐसा तो नहीं कि अलग हो जाएगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड है, फिजिक्स वगैरह में तो जो है कॉन्सेप्ट जो फोर्स है वही रह जाएगा, है ना। तो कुछ बताओ फोर्स किसको कहते हैं नाइन्थ क्लास में, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना, या मतलब ऐसे फोर्स किसको कहते हैं, पुश और पुल, और कुछ एक्सटर्नल एजेंसी है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्या कर सकता है बॉडी का शेप साइज पोजीशन डायरेक्शन मोशन को, जरूरी नहीं है चेंज कर सकता, चेंज करेगा या फिर ट्राई करेगा चेंज करने का, है ना। जैसे हम लोग हाथी पर अगर फोर्स लगा देंगे तो हम तो ट्राई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन शेप साइज पोजीशन कॉन्फिगरेशन चेंज होने का, होगा कुछ नहीं। ट्रैक्टर को ले जाकर के तुम अपने हाथ से धक्का दोगे तो फोर्स तो लगा रहे हो, तुम अगर लिख दोगे कि चेंज ही कर दोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा ट्रैक्टर पर, ना उसका डायरेक्शन, ना शेप, ना साइज, ना पोजीशन, ना मोशन, कुछ नहीं। तो या तो चेंज कर दे या फिर ट्राई करे चेंज करने का शेप साइज पोजीशन कॉन्फिगरेशन, एफर्ट लगाना। पुश और पुल सेवेंथ क्लास में आपको सबसे पहली बार पुश और पुल करवाया गया था, तो अभी भी सही है, पुश और पुल ही है, पुश और पुल हम किए, जरूरी नहीं है मोशन हुआ कि नहीं हुआ उससे मेरे को क्या, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि चेंज कर सकता है या चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या शेप साइज पोजिशन कन्फिग्रेशन, उससे हम लोग को मतलब नहीं है फिजिक्स में। शेप साइज ऐसे मतलब तो है फिजिक्स में, बट इस चैप्टर को आप लोग काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं, इसमें शेप साइज चेंज करना ठीक है बट हमारे चैप्टर में आएगा नहीं। इस चैप्टर में हमें मतलब पोजीशन से है, मतलब अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगाने से क्या होगा, वो बॉडी हो सकता है मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन तो हो सकता है एक्सेलरेट कर जाए, पहले एक्सेलरेट कर रहा था तो हो सकता है कि उसका स्पीड कम हो जाए, ये सब करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन लिखते रहो, शुरू करो लिखना भी शुरू कर दो, थोड़ा सा लिखते लिखते आप लोग रिकॉल टॉपिक में ही करेंगे बट सब चीज थोड़ा सा लिख लेंगे फटाफट, और अंतर वगैरह पता चलेगा कि कहाँ से अंतर वगैरह है, वहां से भी आप लोग देखेंगे कि क्या अंतर है नाइन का। एक तो क्लियर अंतर चार महीने में पता चल गया होगा क्या अंतर है नाइन, हाँ बिल्कुल, नाइन में तुम सिर्फ बोल के निकल जाते थे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ बोल के नहीं निकल पाओगे, यहाँ तो सारा न्यूमेरिकल ही वेक्टर क्वांटिटी से बनेगा, यही अंतर है, दिस इज द मेजर डिफरेंस, बाकी तो वही है नाइन्थ वाला फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वही है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बट नोट्स लो में ऐसा ही लिखो, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच क्या क्या कर सकता है, पहला पॉइंट पे है प्रोड्यूस करेगा या फिर ट्राई करेगा, क्या करने का, प्रोड्यूस मोशन,
इन अ बॉडी एट रेस्ट, ट्राई करेगा, जरूरी नहीं कर ही ले, और अब क्या स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है, या फिर चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। वैसे सेप साइज पोजिशन कंफिगरेशन बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं फोर्स में, ठीक है। तो छोटे क्लास में कुछ कुछ चीज आप लोग और पढ़े होंगे, तो इसी में है एरिस्टोटल्स फलासी। सबसे पहले फोर्स के बारे में, उसका मोशन के बारे में एरिस्टोटल, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका स्टेटमेंट आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा था कि किसी भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी ट्रेवल करवाना है, अब ये सब वर्ड क्लियर रखो, इस चैप्टर में काम आएगा, जैसे ऑलरेडी काम आ चुका, बट आप लोग में से कुछ लोग पलट जाते कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े बोलने पर तो होगा नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड होता है, इसका पूरा कहानी अभी फ्रेम करके आया सर्कुलर मोशन का। अब फिर बोल दोगे कि हमको ये क्लियर नहीं है, तो फिर कब क्लियर होगा, है ना। तो क्या एरिस्टोटल सबसे पहले बताए थे कि एक बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड में भी चलाना है तो भी तुमको उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में फैलासी साबित हुआ, ये गलत स्टेटमेंट साबित हुआ। आज के डेट में हम लोग इनके बाद गैलीलियो का लॉ हम लोग पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है, नाइन्थ में भी थोड़ा सा दिया होता है, इलेवेंथ में भी थोड़ा सा दिया होता है। गैलीलियो सबसे पहले बताए, न्यूटन साहब का चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बट सबसे पहले गैलीलियो गैली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फिजिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड जिसको बोलते हैं, उन दोनों में ही हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का जरूरत नहीं पड़ता है। यही गैलीलियो का स्टेटमेंट था, क्लास नाइन्थ में भी आप लोग पढ़े होंगे। या फिर शॉर्टकट में अगर बोलो तो अभी तुम लोग फोर्स का क्या फॉर्मूला जानते हो, अभी तो पढ़ोगे ही, फिर से पढ़ोगे, बट ऐसे क्या याद है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हो तो फोर्स का जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले गैलीलियो साहब ही बताए थे। और वेलोसिटी चेंज नहीं करने का मतलब यही हो गया कि तुम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहे हो। एरिस्टोटल बताए थे कि अगर बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से भी चलाना है तो भी इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। गैलीलियो गैली बताया ऐसा जरूरत नहीं है, अगर बॉडी को कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाना हो तो किसी तरह का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का जरूरत नहीं है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो भी उस पर आपको किसी तरह का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाने का जरूरत नहीं। सबसे पहले एरिस्टोटल का लॉ आया जो कि फलासी गलत साबित हुआ, उसके बाद गैलीलियो का लॉ आया। गैलीलियो वाला वो क्लास नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन वाला डायग्राम बनाया हुआ था, है ना, उसी में बताए थे ये इंक्लाइंड प्लेन लो, फ्रिक्शन लेस अगर रखोगे तो इधर से नीचे जाएगा फिर वो उतना ही ऊपर तक चला जाएगा। क्लास नाइन्थ में पढ़ना था, इलेवेंथ में इतना नहीं पढ़ना, नाइन्थ में भी एक्चुअली में नहीं पढ़ना था, वो छोटे क्लास में पढ़ना था। और वही बताए थे कि अगर ऐसा इंक्लाइंड प्लेन से नीचे कर दो और ये वाला सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शन लेस रख दो जितना हो सके, ये गिरेगा फिर ये चलते रहेगा, ठीक है। ये शो करता है एक बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से चलाने के लिए, या अगर वो रेस्ट पे ही है तो आपको किसी भी तरह से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ रेस्ट बोलो और या फिर स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट स्पीड बोलो, दोनों में ही एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था फोर्सेस के बारे में, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो एरिस्टोटल्स का फलासी लिख लो, ये सब कोई काम का नहीं है, बट उसे कॉपी में थोड़ा बहुत लिख करके रखो। फलासी का मतलब गलत होता है, मैथ्स में पढ़ेंगे एक पूरा चैप्टर आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग वहां पर, बट ऐसे फलासी का मतलब गलत होता है। तो एरिस्टोटल एक लॉ तो बताया बट वो गलत साबित हुआ, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब थोड़ा थोड़ा बस लिख करके रखना है। निकलिए उसके बाद गैलीलियो का लॉज ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो साहब के हिसाब से द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन, कैसा स्टेट ऑफ मोशन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोलो या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोलो, इन दोनों ही केस में नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी भी तरह का नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है बॉडी में, बॉडी रेस्ट में है तो भी, और बॉडी अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है तो भी। ये सबसे पहले गैलीलियो गैली ही बताए थे, बाद में इन्हीं सब लॉ को मिला करके हमने न्यूटन्स का लॉज बनाया।
अभी न्यूटन का लॉ थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, बट ये तो नाइन्थ क्लास के रिकॉल के तहत लिख रहे हो, बड़ा बड़ा करके भी पढ़ना है, ये नहीं कि नाइन्थ वाला लॉ लिख दिया आपका चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। गैलीलियो से आपका लॉ ऑफ इनर्शिया लिख लो और एरिस्टोटल्स का फैलेसी लिख लो। तो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद ये लीनियर मोमेंटम थोड़ा सा आप लोगों को याद आ रहा होगा, पहले बताओ किसको कहते थे, जो याद है वो बताओ, देख के हाँ, हर चलती हुई बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है उसका मोमेंटम। मोमेंटम इंग्लिश का वर्ड आज के डेट में फिजिक्स से ज्यादा इसको, तो अंग्रेजी का वर्ड मैच उछकल से शुरू हो गया, आईपीएल वगैरह भी आज पहले भी आप लोग इंग्लिश कमेंट्री वगैरह सुनते होंगे। मोमेंटम मतलब आउट एंड आउट ऐसा नहीं कि फॉर्मूला, मोमेंटम तो इंग्लिश का वर्ड, हर कोई बॉडी चल रहा है उसका प्रॉपर्टी है मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन, जो बॉडी अगर चल रहा है उसका जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। नाइन्थ में आप लोग पढ़े थे बॉडी चल रहा है मतलब उसके पास क्या क्या होना चाहिए, चल रहा है तो मास तो है अगर वो मैटर है तो, और चल रहा है मतलब उसके पास कुछ हो ना हो स्पीड जरूर होगा, तो ये मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को या फिर कंबाइंड प्रोडक्ट को ही हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ये अलग बात है कि नाइन्थ तक आप लोग जो मोमेंटम पढ़े वो केवल आप लोग लीनियर मोमेंटम पढ़े हैं, बट केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक वर्ड ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम, बोर का मॉडल में मोस्ट प्रोबेबली सुन चुके हैं, मेरे क्लास में भी सुने हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, पढ़ेंगे ऑफिशियली एक चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं आएगा, बट नाइन्थ क्लास तक हमें एक ही मोमेंटम मालूम था लीनियर मोमेंटम। तो अभी डेफिनेशन भी लीनियर मोमेंटम का लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में मोमेंटम भी लीनियर भी हो सकता है एंगुलर भी हो सकता है, बट फिलहाल लीनियर मोमेंटम का बात करें तो मोमेंटम क्या है, हर चलती हुई बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, चल रहा है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा और वेलोसिटी होगा और कंबाइंड इफेक्ट होगा, कंबाइंड साथ में कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए किसका, किसका मास का और वेलोसिटी का। केवल मास से नहीं होगा, रुका हुआ बॉडी का मोमेंटम नहीं होता, केवल वेलोसिटी से नहीं होगा, ठीक है। चलती हुई बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मोमेंटम, टू बी प्रिसाइज नाइन तक मोमेंटम बोल के काम चला ले रहे थे, अब पहले जब लिखेंगे तो नाम मोमेंटम नहीं लिखेंगे, पहले लीनियर मोमेंटम लिखेंगे। नाइन्थ में आप लिखे थे मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, अभी फिर लिखेंगे, बट इलेवेंथ में सीखेंगे मोमेंटम को पी से नहीं डिनोट करते हैं, केवल लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करना है, एंगल वाला मोमेंटम का कुछ और नाम आएगा, जैसे स्पीड वेलोसिटी, अभी आप देखे पिछले चैप्टर में स्पीड वेलोसिटी तो बी था बट एंगुलर वाला ओमेगा बन गया, एक्सेलरेशन तो ए था बट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बन गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो एस से था बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बन गया। उसी तरह से अभी जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं, जो भी डेफिनेशन तो ठीक है बट जो फॉर्मूला बता रहे हैं मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, याद रखेगा किससे डिनोट करेंगे, सी से। कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से बताओ थोड़ा सोच करके, हाथी का मोमेंटम ज्यादा होगा या तुम्हारा, जल्दी बोलो, हाथी का, गलत आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है, हाथी का मोमेंटम नहीं होगा, चलता हुआ अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि दौड़ रहा एक हाथी है और उसी स्पीड से दौड़ रहा एक लड़का है तब किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तब हाथी का होगा, ऐसे आप बोल ही नहीं सकते हाथी का मोमेंटम ज्यादा होगा, माँ बिल्कुल हाथी रेस में हो सकता है उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और जो जो दूसरा एग्जाम्पल लड़का का बोला था वो दौड़ रहा है तो उसी का ज्यादा हो जाता है, ऐसा गलती मत करना, मास से दिमाग में मत जाना, मास नहीं है ये, कंबाइंड इफेक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, चलता हुआ बॉडी का प्रॉपर्टी है मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट करेंगे लीनियर मोमेंटम, जो फॉर्मूला नाइन से याद कर कर आया हो वो मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं है, वो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, जो स्मॉल पी से डिनोट करते थे वो मोमेंटम का डिनोशन नहीं है, वो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन आता था वो अभी बताओ, अभी सोच करके बताना, एक क्रिकेट बॉल है और एक सिंपल रबड़ का बॉल है, दोनों अगर सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये मैं तुमको बता रहा हूं दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अब बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, बोलो, अब बोल सकते हैं क्रिकेट बॉल का, क्यों, क्योंकि स्पीड तो मैं बोला सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास क्रिकेट बॉल का ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा है। पहला क्वेश्चन का तुम लोग सीधा आंसर बोल दिया हाथी का ज्यादा होगा, गलत आंसर था, बट अगर ऐसा बोला जाए कि स्पीड सेम है, एक ओरिजिनल क्रिकेट बॉल एक रबड़ बॉल है, अब बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तब आप बोल सकते हैं क्रिकेट बॉल का ज्यादा होगा।
ये सब नाइन तो पढ़ना था, जल्दी से लिख लो। लीनियर मोमेंटम अपने डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, बट यही सब है शॉर्टकट में, नाइन्थ का चीज लिखना उतना ज्यादा डिटेल्स को नहीं लिख देना है पूरा। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। फॉर्मूला है पी के ऊपर वेक्टर है एम इंटू वी, ठीक है। आखिर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल वेलोसिटी के ऊपर। तो जो आप लोग पिछला चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन याद किए थे टेंजेंशियल वाला, अब जब मोमेंटम का काम पड़ जाए तो वहां हाथ मत खड़ा कर देना, हमको नहीं पता है कहां होगा कहां होगा। ये सीधा इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन पर है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा। आप पलट नहीं सकते कि हमको पता नहीं, हम आपको सिर्फ मेरे को वेलोसिटी और एक्सलेशन याद करवाए थे, ऐसे नहीं होगा। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन सीधा वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। डिमेंशंस निकालने तो आता है सबको, है ना। मास का एम, वेलोसिटी का एलटी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन हो गया। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वी के डायरेक्शन की तरफ। और यहां पर साफ साफ लिखा गया है एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है एज मोर मोमेंटम देन, किसके कंपैरिजन में, उतना ही फास्ट मूविंग देन इक्वली फास्ट मूविंग रबर बॉल। स्पीड पे अंतर करोगे तो मोमेंटम में अंतर हो जाएगा, क्रिकेट बॉल लियो बट उसका स्पीड कम है, रबर बॉल उसके स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है रबड़े बॉल का मोमेंटम ज्यादा। लैंग्वेज ठीक से लिखना, देन इक्वली फास्ट मूविंग रबर बॉल लिखवाया हुआ, ठीक है। तो स्पीड अगर सेम है तब हम लोग ऐसा श्योर कह सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। थोड़ा ग्राफ देख लो उसके बाद लिखना, तीन चीज का ग्राफ हम लोग मैथ्स में पढ़ते कैसे बनाते हैं, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अगर एम को कांस्टेंट रख दूं, अगर एम को कांस्टेंट रख दूं तो ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर मास कांस्टेंट रखेंगे तो मोमेंटम वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। उल्टा अगर करें, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें तो मोमेंटम और मास के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगा। मोमेंटम और मास के बीच में स्ट्रेट लाइन जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में स्ट्रेट लाइन जब मास कांस्टेंट हो। लेकिन अगर इसका डेफिनेशन मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, अब अगर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंटम बाई मास, अब इसको अगर कांस्टेंट रख दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैथ के क्लास में सिखाया गया है इनवर्सली मतलब ऐसे बस नीचे नहीं आएगा, ये वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर माइनस वन का ग्राफ है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, ये नहीं कि कम हो रहा है तो बस कम कर दिए, हाइपरबोलिक कर्व में बनेगा ये कर्व। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट तो वेलोसिटी मास कैसा ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम मास कैसा ग्राफ, मास कांस्टेंट तो मोमेंटम वेलोसिटी कैसा ग्राफ। इतना चीज आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना है, ठीक है। तो आप लोग न्यूटन साहब का तीन लॉ ऑफ मोशन जो क्लास नाइन्थ में पढ़े थे उसको फटाफट थोड़ा शॉर्टकट में लिखोगे, न्यूटन साहब का तीनों लॉ ऑफ मोशन जैसे क्लास नाइन में लिखा था उसको फटाफट लिख लोगे, लिखते लिखते याद करोगे न्यूटन साहब का लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नाइन्थ के क्लास से याद करोगे। पहला लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी, नाइन्थ क्लास में सिर्फ बोल देते थे मोशन में, अब मोशन में बोलने पर काम नहीं चलेगा, अब है अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे है तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर ही रह जाएगा ड्यू टू इट्स इनर्सिया, वो अपने इनर्सिया के वजह से, है ना। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था इनर्सिया का डेफिनेशन, इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया इनएबिलिटी है, हर बॉडी के पास है, तुम्हारे मेरे से लेकर के हाथी से लेकर के थूक फेंक दोगे तो थूक के पास भी है। इनर्सिया का प्रॉपर्टी यही है कि वो उसका इनएबिलिटी है हर ऑब्जेक्ट का, क्या कि वो खुद से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, ये इनएबिलिटी है। और इस खास प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये इनर्सिया बोलते हैं। मैटर का डेफिनेशन भी बोलते हैं, मैटर भी हर उस पार्टिकल को कहते हैं जिसके पास इनर्सिया हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्सिया से रिलेटेड है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगा ड्यू टू इट्स इनर्सिया। और अगर आप चाहते हैं कि उस बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो, उस बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट से वो स्टेट ऑफ मोशन पर आ जाए, तो आपको उस पर बाहर से एक्सटर्नल
अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये इनर्सिया के साथ बेस्ड है, ठीक है। अभी तो ये सब दोबारा से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि नाइन्थ वाला लिख करके हो गया सिलेबस खत्म, ये सब दोबारा से पढ़ना है, बट डेफिनेशन तो यही रहेगा, ठीक है। दूसरा लॉ को हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइन्थ में भी आपको ऐसे ही समझाया गया होगा, सेम हाइट से तुमको अगर गिरा दिया जाए, सेम हाइट से अगर तुमको गिरा दिया जाए, एक बार तुम गिरोगे करकट पर और एक बार गिरोगे दलदल पर, तो दोनों केस में चोट ज्यादा किस में लगेगा, फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा, तो करकट वाले में आपको चोट जो है, फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा, यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्यों? क्योंकि दलदल पे गिरो चाहे करकट पे गिरो, दोनों केस पर तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, दोनों केस पर तुम्हारा मोमेंटम चेंज होगा। आप लोग से जब भी ये क्वेश्चन पूछने पर आप लोग अजीबो गरीब आंसर बता देते हैं इसका, वर्क पावर प्रेशर फोर्स छोड़ करके सब, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, जितना कुछ जानते हो, बोर्स मॉडल और प्लैंक्स कांस्टेंट सब बोलोगे, बट इसमें केवल एक ही चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, चेंज इन मोमेंटम का। तो जब दलदल पे गिरते हैं तो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, जब करकट पे गिरोगे तो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम बराबर ही होगा अगर बराबर हाइट से गिराया गया है तो, बट दलदल में उस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम ज्यादा लगेगा, इस वजह से फोर्स उसमें कम लगेगा, इसी को न्यूटन आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज नहीं, चेंज से मतलब नहीं है, चेंज तो दोनों केस में होगा, टाइम बताओ कितना लगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, जितना फोर्स तुम पे अप्लाई हो रहा उस पे, यही न्यूटन आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। फिर से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दोबारा से पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट डेफिनेशन तो यही कहता है, डेफिनेशन यही कहता है कि अगर एक फास्ट मूविंग बॉल आ रहा है, नाइन्थ डायग्राम भी था, तो उसको कैच करके बोला जाता था हाथ को पीछे लेकर के जाने के लिए, क्यों, चेंज इन मोमेंटम तो करवा ही रहे हो जब तुम कैच कर रहे हो तो, बट हाथ पीछे ले जाने पर क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम होने पे टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसके वजह से फोर्स क्या लगेगा, कम, यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। और न्यूटन आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप लोग में से बहुत लोगों को ऊपर ऊपर से याद होगा, आज के क्लास में ऊपर ऊपर वाला ही याद कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल वाला तो पढ़ेंगे 11th में, ऊपर ऊपर से याद करें तो हमें ये सिखाया गया है, मतलब यही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। जी अगर तुम्हारे गाल पर एक चाटा मार दूं तो जितना फोर्स मेरे हाथ से तुम्हारे गाल पर लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स तुम्हारे गाल से मेरे हाथ पर भी लगेगा, इसी को ही हम लोग न्यूटन आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पेयर में होना चाहिए एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बारे में और भी बातें करेंगे 11th क्लास में, 9th क्लास लेवल पर तो इतना ही पढ़े थे, और इनर्सिया का डेफिनेशन याद किए थे, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, 9th में बस मोशन लिख के काम चला लेते रहते, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पर फोकस करना, क्योंकि जस्ट अभी आप पढ़े हो सर्कुलर मोशन में, गेम अलग है, फॉर्मूला अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, न्यूमेरिकल अलग है, ग्राफ अलग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अलग है, तो अभी जितना हो सके स्ट्रेट लाइन लिख करके चलना, इट्स कॉल्ड इनर्सिया ऑफ अ बॉडी। 9th, 8th, 10th में पढ़े कि इनर्सिया का फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, इनर्सिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट ऐसा मानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्सिया ज्यादा, ठीक है। और देखो बच्चों, तो अब 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट जो चेंज हो रहा है, 9th वाला तो रिकॉल लिखे, बट कहां पर अब चेंजेस होगा कॉन्सेप्ट में, इसके लिए थोड़ा सा टॉपिक समझ लो, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। 9th क्लास में जो आप लोग मोशन का डेफिनेशन बताते थे, मोशन का डेफिनेशन में हम लोग देखते थे कि एक स्टेशनरी पॉइंट से बॉडी का डायरेक्शन या फिर क्या बोलते हो पोजिशन कितना चेंज हुआ, स्टेशनरी पॉइंट उसको क्या बोलते थे, उसको तुम रिफरेंस पॉइंट बोलते थे क्लास 9 तक, अब 11th क्लास में उसको रिफरेंस पॉइंट नहीं कहते हैं, अब 11th 12th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस को समझने का तरीका इस तरह से है, एच सी वर्मा में ये डायग्राम दिया हुआ है, सर ऐसे इसी एग्जाम्पल में समझाए तो सर इसी से समझाए तो आप लोगों को इसी में से समझना पड़ेगा। ये मान लो एक एलिवेटर है, दिस इज एन एलिवेटर, ये एक एलिवेटर है, ये एक रस्सी के थ्रू जो रोप होता है, रोपवे के थ्रू कनेक्टेड है,
इसके अंदर एक आदमी है, ए नाम है, और यहाँ पर एक लैंप है, ठीक है, ये डायग्राम है, ठीक। अब क्या होगा, यहां से मान लो ये जो रोप है वो टूट गया, ब्रेक रोप ब्रेक, तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है वो फ्री फॉल कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, होगा। अब इसी में ये एक लैंप है, इस लैंप के बारे में, मोशन में, फोर्स के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, मोमेंटम, इसके बारे में सोचो। ये लड़का जो ए है एलिवेटर के अंदर, इसकी बातें, इस लैंप के बारे में बातें, मतलब स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, पावर, मोमेंटम अलग अलग होगा, और ये जो लड़का बाहर है बी ग्राउंड पर, इसके लिए इस लैंप का एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, मोमेंटम, स्पीड जो है वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि यही पर इस बात का डिफरेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो आज के बाद हम लोग क्वेश्चंस जब भी अप्रोच करेंगे तो वो हम लोग स्टेशनरी पॉइंट या फिर रिफरेंस पॉइंट पर देखते हुए नहीं, इस बात को देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रिफरेंस कौन सा है इसका, इस लैंप का, इस लड़के के फ्रेम ऑफ रिफरेंस से देखो तो ये रेस्ट में है, बट इस लड़के के रिफरेंस से देखोगे तो ये फ्री फॉल करते हुए नजर आएगा, कैलकुलेशन होगा, नजर आने का बात नहीं है, न्यूमेरिकल बनाने का बात हो जाए तो इसके लिए ये लैंप भी ए बराबर जी के कैलकुलेशन से चलेगा, बट इसके लिए ये लैंप जो है वो रेस्ट के कैलकुलेशन से चलेगा, इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। 11 12th में जब तक हमारा फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्लियर नहीं रहेगा, हम लोग क्वेश्चन को छोटा बात है, मतलब उस रिप्रेजेंटेशन को अप्रोच ही नहीं कर सकते, इसमें करना क्या है, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा क्या फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो जब आप लोग आगे इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे या फिजिक्स और पढ़ेंगे आगे, तो बहुत सारे तरह का फ्रेम ऑफ रिफरेंस होता है, बट ऐसे ऊपर ऊपर से तोड़ा जाए तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस दो तरह का हमें पढ़ना है, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। ऐसा कोई बात हम लोग 9th क्लास में पढ़े नहीं थे, 9th में सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट बोल के काम चला ले रहे थे, बट अब से हमें फ्रेम ऑफ रिफरेंस पहले तो पहचानना पड़ेगा, और फिर फ्रेम ऑफ रिफरेंस कैसा है वो बताना पड़ेगा। दो तरह का हो सकता है अभी आपके 11th 12th क्लास में, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस और एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। पहले अच्छे सुन लो, फिर मैं स्पीड में लिखवाता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस को कहते हैं जिसमें न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, जहां पर आप न्यूटन्स आपका लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल कर सकते हैं, वैसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस को हम लोग फिजिक्स में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। शॉर्ट में बात करूं तो 9th से लेकर के 11th में आज के क्लास के पहले तक जो भी टॉपिक, ग्राफ, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, एचसी वर्मा, एनसीईआरटी, बोर्ड्स, मेंस, नीट, एडवांस का जो भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, वो सब आप ग्राउंड को या फिर अर्थ को एक फ्रेम ऑफ रिफरेंस मानते हुए बनाए हैं, और ऐसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस जहां पर न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पहचानने का तरीका क्या होगा बताओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रिफरेंस होगा जिसमें न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा। दूसरा नंबर, वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस होगा वो किस पे रहना चाहिए, वो या तो रेस्ट पे रहना चाहिए या फिर वो मूव करे लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब वाइसे वर्सा, अगर ऐसा फ्रेम ऑफ रिफरेंस जिसमें कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं हो उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहेंगे। ऐसा फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो खुद ही एक्सेलरेटेड हो, वैसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस का एक भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफ अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसका तरीका आपको 11th में सिखाया जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है, लेकिन डेफिनेशन पहले से क्लियर रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे इसी डायग्राम में ये जो ए वाला था इसी का कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा, मतलब एक्चुअली में नहीं गड़बड़ाएगा, उसका भी सही है, बट आपको किसको लेकर के चलना है, ये जो ए वाला है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस पर है। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिवेटर था वो टूट गया था और वो क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, बट ये जो लड़का जहां पर खड़ा हुआ है ये ग्राउंड पर है, ये रेस्ट पर है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, तो ये वाला जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस है। तो बोलने का मतलब यह है कि अभी तक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस का
सारा क्वेश्चन हम लोग बना करके आए हैं, नाइन्थ में इलेवेंथ में भी बनाएंगे, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले पहचानना पड़ेगा और फिर हम लोग सीखेंगे कि उसका क्वेश्चन ग्राफ न्यूमेरिकल फॉर्मूला प्रूफिंग किस तरह से अप्रोच करना है। तो नाइन्थ और इलेवेंथ के फोर्सेज और लॉज ऑफ मोशन में दो चीज का अंतर दिखेगा, लॉज तो वही है जो नाइन्थ में पढ़े थे, एक जो नाइन्थ क्लास में आप फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बोल के बस भाग गए, उसका न्यूमेरिकल नहीं बनाया क्योंकि वेक्टर का रूल तुमको पता नहीं था, वो करना होगा। और एक सिर्फ अभी तक आप जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सब सिर्फ आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बनाए हैं, इलेवेंथ में फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी अप्रोच करना सीखना है, ठीक है। तो वो अगले क्लास में जानेंगे कि किस तरह से अप्रोच करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केवल डायग्राम बस बना करके थोड़ा बहुत रख लो, इसके बारे में लिखेंगे अगले क्लास में। तब तक आपका काम रहा कि आप लोग नाइन्थ वाला मोशन एक बार और रिकॉल कर लेना, क्योंकि बीच बीच में काम पड़ेगा, आप सीधा बोल देंगे हमको नहीं आता तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।